नमस्कार, आप सभी प्रबुद्ध जनों को सादर प्रणाम। मैं आते ही यहाँ सबसे पहले वैभव जी के जो उन्होंने कोट सुनाया उससे डिरेल हो गया हूँ, क्योंकि मैं एक जो बात कहने वाला था उसमें ये था कि हमें पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहने को कहा गया है दीनदयाल शोध संस्थान में, लेकिन उन्होंने बताया कि अगर हम उससे बहुत दूर रहने की कोशिश करेंगे तो विल बी गवर्न्ड बाय फूल्स। तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया है, लेकिन फिर भी उससे पहले स्तुति बहन ने जो स्तुति हम लोगों के सामने प्रस्तुत की, जो इन्वोकेशन था राष्ट्र के प्रति, उनका भाव उन्होंने हम सबका जगाया, वो आज के पूरे सब्जेक्ट को, स्व को बहुत अच्छे तरीके से एनकैप्सुलेट कर लेता है। लेकिन फिर भी कुछ बातें तो हम लोगों को करनी ही हैं। मैं सबसे पहले प्रबुद्ध भारत संस्था को, आपके पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस मौके पर अपनी बात कहने के लिए यहां पर बुलाया, और आप लोगों के बीच में आकर जो यहाँ वाइब्स मिलती हैं, मैं पिछले कुछ समय से बेलगावी आ रहा हूँ, पिछले 4 वर्षों से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जब जन्म शताब्दी समारोह चल रहे थे, सेंटेनरी सेलिब्रेशंस, उन दिनों रानी चेन्नम्मा यूनिवर्सिटी में एक चेयर दीनदयाल जी के नाम से स्थापित की गई थी, और उस चेयर में मुझे पार्टिसिपेट करने का कई बार सौभाग्य मिला है। उस बहाने बेलगावी आने का कई बार मौका मिला, बहुत अच्छा लगता रहा है। जब जब भी बुलाया जाता है मुझे, मैं तत्काल आने के लिए तैयार रहता हूँ। आज का जो सब्जेक्ट है वह है भारतीय चित्त में, भारतीय चिंतन में स्वराज की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज इन इंडियन हेरिटेज। जिस स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं वो स्कूल ऑफ थॉट है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इसको प्रोपोगेट किया 1960s में खासतौर पे, उससे पहले भी उसके बारे में बातचीत करते रहे, लेकिन उन्होंने 1965 में 4 लेक्चर्स में इसको मुंबई में हम सबके सामने रखा था। उसमें उन्होंने बार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए मेरी बात में वो कई बार आ सकता है। वो शब्द था चिति। तो चिति शब्द जो था, चिति किसी राष्ट्र की आत्मा के लिए पंडित जी ने उसका एक वर्णन किया, और पंडित जी ने हमको बार बार कहा कि जैसे एक मनुष्य की आत्मा होती है, एक इंसान की आत्मा होती है, वैसे ही एक राष्ट्र की आत्मा भी होती है। और राष्ट्र शब्द पर कई बार एम्फेसिस करने की आवश्यकता होती है, हमें राज्य और राष्ट्र इन दोनों से अपने आप को थोड़ा सा उसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। राज्य की कोई आत्मा नहीं है, वो एक जियोपॉलिटिकल एंटिटी होता है। जैसे अगर आप कहें कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, तो पूरे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जिसने उसके बारे में कोई तालियां नहीं बजाई होंगी या कुछ नहीं करा होगा। लेकिन वही नरेंद्र मोदी सरकार ने जब उरी में सर्जिकल स्ट्राइक की, बालाकोट में की, तो पूरे राष्ट्र ने एक मत होकर उसको चीयर किया। वो क्योंकि राष्ट्र की आत्मा थी, वो हमारी चिति थी, हम उसके ही स्वभाव से, राष्ट्र की आत्मा के स्वभाव से ही हर चीज़ को रेगुलेट करते थे, गवर्न करते थे। तो जब हम लोग स्वराज की बात करते हैं, उसमें जो पहले 2 अक्षर आते हैं स्व, स्व मेरे लिए नहीं होता है, मैं नहीं, इट्स नॉट फॉर मी, हमारा है, हम, जो सब कुछ भारतीय है, भारतीय चिंतन में से निकला हुआ है, जो पूरी भारतीयता को इनकैप्सुलेट करता है, उसमें पूरी भारतीयता समाती है, पूरी भारतीयता को आत्मसात करता है, वो स्व है।
तो वो स्व हर चीज में, हर बात में आता रहा, बार बार आता रहा, और वो स्वशासन में भी आया, हमारे स्वावलंबन में भी आया, स्वराज में भी आया, हर चीज में स्व की एक आवश्यकता रही। कि लोकमान्य तिलक ने जैसे कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो स्वराज से उनका मतलब कोई पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं था कि हमारे अंग्रेज चले जाएंगे और हम लोग उस पर अपना अधिकार करेंगे, बट कुल मिलाकर था कि हम भारतीय चिंतन के हिसाब से, भारतीय चिति के हिसाब से, जो हमारी आत्मा हमसे डिमांड करती है, जो कहती है, हम उसके हिसाब से हमको अपने ऊपर राज करना है, तो दैट इज स्वराज। फिर आगे जाकर गांधी जी ने हिंद स्वराज की छोटी सी पुस्तक, 80-90 पेजेस की होगी, 1908 में लिखी, वो गांधी जी की पूरी फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करती है, उन्होंने सामने लाकर उसमें रखा। उसमें उन्होंने हर चैप्टर में, और वो एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में उन्होंने दिया था हम सबके सामने, हिंद स्वराज उसका नाम रखा, उसमें उन्होंने भारत की आत्मा को अलग अलग नज़रों से, अलग अलग तरीकों से, उसके सभी एस्पेक्ट्स, उसके सभी डायमेंशंस को छूने की कोशिश करी। उसके बाद में लगभग उन्हीं दिनों, उससे पहले रादर, महर्षि अरबिंदो ने इस पूरी की पूरी कल्पना को एक बहुत फिलोसॉफिकल मैनर में हम लोगों के सामने रखा था। बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आज़ादी के पश्चात जब हम लोगों के सामने इन कल्पनाओं को रखा, तब उन्होंने एक बहुत जोर दिया स्वावलंबन पर, और उस स्वावलंबन में एक कल्पना थी कि हम हर चीज़ अपने मन से, अपने तरीके से, अपनी जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारे सामने संसाधन हैं, जो हमारे हाथ में टैलेंट है, हुनर है, जो हमारे लोगों के पास में, उस पर आधारित हो। और ये उन्होंने कहाँ से लिया था, एक बहुत पुरानी पुस्तक थी पंडित बद्रीनाथ चतुर्वेदी की, देशिक शास्त्र, उसमें इन सब चीज़ों का उन्होंने खुद कहा इस बात को कि मैंने उससे बहुत प्रेरणा ली है इस पुस्तक से, और उस पुस्तक में इन सब चीज़ों का एक बहुत सुंदर चित्रण किया गया कि किस तरीके से हमारे भारतीय चिंतन में स्व पर लगातार जोर दिया जाता रहा, और जो हमारी ग्राम सभाएं थीं, जो अलग अलग नामों से अलग अलग स्टेट्स में, जो जिन्हों स्टेट्स इस तरीके की नहीं थी, दूसरे उनके स्वरूप थे, अलग अलग नामों से पुकारी जाती थी, अलग अलग लेवल्स पे होती थी, गाँव की होती थी, 20 गाँव की होती थी, 100 गाँव की होती थी, वो आपस में बैठकर तय करती थीं कि हमें हमारा डेवलपमेंट का क्या मॉडल चुनना है, वो मॉडल हमारे स्व पर आधारित हो, वो हमें गवर्न करे। कहीं कहीं हम लोगों को देखने में आया कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस को, जिसके साथ में वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है, पानी के साथ, जल के साथ हुआ, ऐसे ही फॉरेस्ट रिसोर्सेस के साथ हो सकता है, आप किसी भी तरीके के नेचुरल रिसोर्सेस को लेंगे, वहाँ के एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स को लेकर हो सकता है, वहाँ हमें कौन सी क्रॉप लेनी है, आजकल ICAR पूरी तरीके से ऊपर से डिसाइड करके हम लोगों को बताता है कि आप लोगों को कौन सी क्रॉप लेनी चाहिए, कहाँ लेनी चाहिए, लेकिन हमारे भारतीय चिंतन ने कहा कि नहीं, एक संस्था ऐसी नहीं होगी जो ऊपर से हम लोगों को बताएगी, हमारे नीचे से हमारा स्व, हमारा उस एरिया में, हमारे वहाँ की क्या क्या संसाधन हैं, वहाँ का इको जोन, इको सिस्टम्स क्या हैं, वहाँ का क्लाइमेटिक सिस्टम्स क्या हैं, उनके आधार पर हम लोगों को अपना ये तय करना है कि हमें कौन सी क्रॉप लेनी है, कितने हिस्से में लेनी है, कब लेनी है, कब नहीं लेनी है, हमें कब फेलो लैंड छोड़नी है, हमें धरती माँ को भी सांस लेने के लिए समय छोड़ना है। तो ये सारी की सारी बातें हमारी जो वहाँ की संस्थाएं, स्थानीय स्तर की संस्थाएं थी, वो इस माध्यम से लिया करती थीं, और मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा
कि उन संस्थाओं को किस तरीके के नाम दिए जाते थे, लेकिन अगर हमारे सामने हम कुछ उदाहरण लेकर देखना चाहें तो जैसे रानी चेन्नम्मा का था, रानी अहिल्याबाई का था, छत्रपति शिवाजी की दरबार में जो होता था, सब चीज़ें गांवों से कस्बों से इकट्ठी करके समझकर उनको पूरा का पूरा हमारे सामने एक फॉर्मुलेट किया जाता था कि कहाँ कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है, और फिर वो पावर्स जो हैं वो डिवॉल्व कर दी जाती थी, नीचे तक ले जाई जाती थी। उसमें एक राष्ट्र की चिति ज़रूर होती थी कि उसमें भारतीयता का पूरा पुट हो, उसका समावेश हो, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी। लेकिन हर गवर्नेंस का जो जितना भी सिस्टम्स थे वो पूरे के पूरे वहाँ पर स्व पर आधारित रहे, और ये जो स्व है ये हमारे डीएनए में था, ये हमारी साइकी में था, हमारे चिंतन में, हर चीज़ में रिफ्लेक्ट होता था। हमने जब हम अगर पिछले समय से लेकर आज तक के संदर्भ में आते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे स्वावलंबन के जो मॉडल्स उस समय ध्वस्त किए गए थे आज़ादी से पहले, उनको रिवाइव करने का जो एक प्रयास हुआ वो प्रयास गांवों से ही शुरुआत उसकी हो पाई थी। पुराने संदर्भ में नहीं, अभी हाल के ही उसमें देखूं तो कोरोना के दौरान जो एक माइग्रेशन हुआ शहरों से गांवों की तरफ में, उन गांवों में आप लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा कि गांव वालों ने किस तरीके से अपने आप बिना किसी सरकारी इंटरवेंशन के, ना उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था ना स्टेट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था, बल्कि वो इंटरवेंशंस दूसरे किस्म के थे कि वो माइग्रेशन नहीं हो, क्योंकि सब लोगों को ये डर लगा हुआ था कि अगर हम लोग शहरों से गांवों की तरफ माइग्रेशन हुआ तो कोरोना जो है कोविड गांवों तक फैल जाएगा। लेकिन गांव वालों की जो व्यवस्था थी वो इतनी इनहेरेंट किस्म की व्यवस्था थी कि उन्होंने अपने गाँवों के बाहर अपने प्रेरणा से, अपने रिसोर्सेस से, अपने तौर तरीके से वहीं क्वारंटीन सेंटर्स बना लिए थे, और वो जो सेंटर्स थे वहीं उन लोगों को रोका, वहीं उन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की जितना भर भी कर सकते थे, कि जो भी चिकित्सा की सुविधाएं हुआ कर हो सकती थी वो सारी की सारी सुविधाएं उन लोगों ने वहां उपलब्ध कराई। तो ये कहां से उन लोगों को समझ आई होगी, ये सारी की सारी जो समझ थी उन्होंने अपने पूर्वजों से, अपने पुरखों से, जो उन्होंने धीरे धीरे एक ज्ञान प्राप्त किया था, जो उनके ट्रेडिशंस में समाया हुआ था ज्ञान, जो उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को डिफरेंट तरीकों से इवन फोक के जरिए भी प्राप्त होता था, वो सारा का सारा जो उन लोगों ने ज्ञान हासिल किया था उस ज्ञान को, वो स्थिति को मानते हुए उन लोगों ने अपने आप बिल्कुल तात्कालिक प्रबंध कर लिए, जिसके लिए कोई बहुत तैयारी करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। ये वो ही गाँव वाले हैं जिनको हम शहर के लोग कई बार बहुत कंटेम्पचुअस टोन में गंवार कहते हैं, लेकिन गंवार क्या है, जो गांव में रहने वाला वो व्यक्ति है, मगर उसको हम क्यों गंवार कहते हैं। अगर हम कर्नाटक को देखें तो एचडी देवगौड़ा इस देश के प्रधानमंत्री बने जब, तो वो गांव से ही निकले थे। उससे पहले 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ठेठ गांव के आदमी थे और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे उन्होंने। नरेंद्र मोदी जी का पूरा बैकग्राउंड गांव से आता है, आज वो दुनिया भर की ताकत बनने का एक मादा रखते हैं। तो गांव की जो ये व्यवस्थाएं थी ये हमारे पूरी चिति को बहुत सुंदर तरीके से रिफ्लेक्ट करती हैं, हम लोगों को उन्हें कंटेम्प्ट के तौर पर ना देखते हुए हमें उनसे सीख लेने की ज़रूरत है, उनके स्व से सीख लेने की ज़रूरत है। और जो अभी मोदी जी ने हम लोगों को आत्मनिर्भर भारत का एक नारा दिया और दूसरा दिया वोकल फॉर लोकल, इन दोनों के अगर हम थोड़ी सी पीछे जाकर देखेंगे तो आत्मनिर्भर के लिए जिस शब्द का हम लोग पहले इस्तेमाल करते थे तो वो शब्द होता था स्वावलंबन, सेल्फ रिलायंस।
अब सेल्फ रिलायंस में सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं थी, उसमें सब कुछ था, और उस सेल्फ रिलायंस में एक सस्टेनेबिलिटी का बहुत बड़ा एस्पेक्ट था। सस्टेनेबिलिटी का एस्पेक्ट होने की वजह से हम अपने जितने भी रिसोर्सेज थे उनका बहुत ज्यूडिशियसली इस्तेमाल किया करते थे। जैसा मैंने अभी पहले ये कहा कि नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट जो है हमारी गांवों की संस्थाओं की, वहाँ की बिल्कुल स्थानीय संस्थाओं की एक बहुत बड़ी खूबी रही, बहुत सुंदर उन लोगों ने उसका हमेशा निर्वहन किया, और उन लोगों ने हम लोगों को जो सिखाया, आज भी अगर बहुत छोटे छोटे गांवों में जाकर देखें तो सरकारी स्कीम्स, स्टेट्स की, सेंटर की जो स्कीम्स हैं उनका इंटरवेंशन बहुत हुआ है, लेकिन आज भी जिस गांव में, जिन जगहों पर हम लोग चित्रकूट में, नानाजी देशमुख ने जहां पर एक स्थापना की चित्रकूट में, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम अपना बनाया, यहां महाराष्ट्र में बीड में बनाया, उससे पहले ईस्टर्न यूपी में गोंडा में बनाया, वहां के गांवों में अगर हम जाकर देखते हैं तो सरकारी स्कीम्स पर एक डिपेंडेंस का थोड़ा सा प्रभाव तो आया है। इच्छा सबकी रहती है कि हम लोगों को इसका लाभ मिल जाए, लेकिन फिर भी वहाँ क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो कई बार कृषि विज्ञान केंद्र जो भारत सरकार के हैं उन पर इतना विश्वास नहीं करते जितना वो अपने बीच में काम करने वाले लोगों के ऊपर करते हैं, जो उनके साथ उनकी चीज़ों को समझते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे दीनदयाल शोध संस्थान जिसको मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हम लोग एक जब दिस मॉडल पे काम करते हैं जो नाना जी ने हमारे सामने रखा, वो मॉडल टू वे मॉडल है। उसमें एक इंटरेक्शन होता है, हम लोग जाकर उन लोगों से बात करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसमें जिस जिस छोटे मोटे इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है वहाँ हम चीज़ों को उनको फैसिलिटेट करते हैं। मगर कुल मिलाकर एक चीज़ देखने में जो आई है वो ये है कि गाँव वालों की समझ जो है, और मैं सिर्फ गांव वालों से ही नहीं कहना चाह रहा, मकसद है कहने का कि गाँव का, क्योंकि वो हमारे इस देश की आत्मा है, और गांधी जी ने भी कहा, पंडित जी ने भी कहा, नाना जी ने भी कहा कि इस देश की आत्मा गांवों में बसती है। इसलिए मेरे इस पूरे के पूरे चित में जो थोड़ा सा एक ओवरवेट कई बार लगता होगा कि गाँवों पर बहुत ज़्यादा है, वो इसलिए है कि हम पिछले समय में देखते आए हैं कि गांवों ने किस तरीके से इस देश के स्व को बचा के रखा, इसको स्वराज को बचा कर रखा, स्वावलंबन को बचा कर रखा। पूरे पिछले दो वर्ष का जो ये क्राइसिस आया, नेशनल क्राइसिस, इंटरनेशनल क्राइसिस आया, इसमें हम लोगों ने देखा कि गांव की जो इकोनॉमी थी, वहां की जो व्यवस्थाएं थी, काफ़ी हद तक बची रहीं, और वो सिर्फ इसलिए बची रहीं क्योंकि वहाँ एक स्वराज की जो पुरानी संस्थाएं थीं, जिन मॉडल्स पर हम लोग बरसों से, ईसवी से पूर्व, मतलब ये ईसा के पूर्व भी जिन लोगों पर, जिन चीज़ों पर हम लोग काम करते थे, देखते थे, वो संस्थाएं इतनी मजबूत थी कि उन्होंने गांवों के, गांव वासियों के मन में, पूरा देश पहले गांव ही था, उन सब के मन में एक ऐसी भावना बैठा दी थी कि जो स्व पर पूरी की पूरी आधारित हो। इस कारण से हम लोग आज यहाँ पहुँच पाए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसी आधार पर, इसी चिंतन के आधार पर देश जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी एक अच्छी ताकत बनकर उभरेगा। आप सबका नमस्कार, धन्यवाद। Structures in place and everything is good, but ultimately, you know, it is the people, you know, they need some harsh rules. Sir, can you be a little precise with the question? Yes. Like, can we have an alternative to democracy rather than, you know, falling, you know, time and again to the, you know, goodness of democracy? Like, that's my question. जो भारतीय चिंतन में कभी majority और minority का concept नहीं था, it was always consensus. अब consensus के लिए क्या चीज़ किस तरीके से evolve की जा सकती है, वो अपने स्व में से आ सकती है, और जैसा मैंने अपनी बातचीत में पहले भी कहा और बाद में राघव जी ने भी कहा, जो पुरुषार्थ का विषय है, चतुष्पुरुषार्थ का विषय है, वो इतना महत्वपूर्ण है कि वो हमारी पूरी डेमोक्रेसी को एक अच्छी सुंदर दिशा दे सकता है कि जहाँ सब चीज़ें जो हैं
वो धर्म सम्मत कार्यों से, और धर्म का मतलब वो सिर्फ रिलीजन के उसमें नहीं आता है, उसको बार बार शायद यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं होगी, आप लोगों ने उसके बारे में चर्चा की होगी, एथिक्स के साथ में जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे वैल्यू सिस्टम्स हैं उनसे। क्योंकि पहले जब मैंने बात की थी कि बिफोर द क्राइस्ट भी हमारे यहाँ पर ये होता था सब कुछ, तो वो डेमोक्रेसी में उस समय कोई चुनाव नहीं हुआ करते थे कहीं भी, वहाँ कहीं मेजॉरिटी से नहीं हुआ, आपस में बैठकर बातचीत होती थी और वो कंसेंसस से ही फिर सब चीजें निकल कर आती थी। अभी सर ने बताया कि स्वराज के बाद में महात्मा गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था ग्राम स्वराज का, आगे विनोबा भावे जी ने आगे लेके गए, लेकिन हम स्वराज के आजादी के अमृत महोत्सव के स्तर पर है, फिर भी कहीं ना कहीं हम ग्राम जो स्वराज का जो महात्मा गांधी जी की जी कल्पना थी, कहीं ना कहीं तो कुछ स्तर तो क्या हो गया, परिपूर्ण नहीं हो रहे, ऐसा क्यों सर, इसके बारे में आपका कॉमेंट है। धन्यवाद। इसमें देखिए ऐसा है कि क्यों नहीं हो रहा है, ये हमको यहाँ बैठकर कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि जब हम शहरों में रहते हैं तो फिर हम ग्राम स्वराज के बारे में जो उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको कई बार बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। दूसरा, दो चीज़ें एक बहुत मेजर हुई हैं पिछले समय में, शायद हमें सुनने को बहुत अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन उसमें से एक तो मीडिया का जो प्रभाव फैला है पूरे देश में और गांवों तक वो फैला है, टेलीविज़न के ज़रिए पहले और बाद में सोशल मीडिया के ज़रिए, तो उसका एक प्रभाव अच्छा होता अगर वो कम्युनिकेशन तक, एंटरटेनमेंट तक, इन्फोटेनमेंट तक सीमित रहता, लेकिन उसने वहाँ के लोगों के मन में कुछ ऐसी एस्पिरेशंस, ऐसी एक्सपेक्टेशंस बना दी हैं जो गांवों के अनुकूल नहीं थी, वहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थी। लेकिन अब ग्रीड जो है, जो गांवों से पहले बहुत दूर रहती थी, अब वो ग्रीड वहाँ की नीड के ऊपर बहुत हावी होती चली जा रही है। फिर भी जैसा मैंने कहा कि हमने पिछले दो वर्षों में जो कोरोना के दौरान देखा कि गाँव वासियों की जो स्पिरिट थी वो कहीं ना कहीं अभी भी वो पूरी तरीके से मौजूद है, कहीं उसमें डाइल्यूशन हुआ है तो इन कारणों से हुआ है, एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण से हुआ है, लेकिन हमारे गाँव और गाँववासी अपने आप में इतने मजबूत हैं कि वो इन सब चीज़ों को ओवरकम कर लेंगे अगर कुछ पॉलिसी इंटरवेंशंस इस तरीके से हों, और वो पॉलिसी इंटरवेंशंस अब वो दिखने में आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, उन सब चीज़ों से लगने लगा है। जैसे दो शब्दों का मैंने कहा, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल, उसमें गांवों को दोबारा एम्पावर करने की जो बात हो रही है और प्रयास हो रहे हैं, कुछ चीज़ें होने भी लगी हैं, तो गांवों में जैसा राघव जी कह रहे थे योगक्षेम का जो विषय है वो हम लोग पहले कई बार इंटेग्रल ह्यूमनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में उसको एक ऐसा देखते थे कि हमारी सारी ज़रूरतें किस तरीके से पूरी होती हैं, वो सबसे एक महत्वपूर्ण विषय है, अगर उन चीज़ों को एड्रेस कर लिया गया उसके इकोनॉमिक फ्रंट को तो बहुत आसानी से ये सब चीज़ें हो पाएंगी। और एक जो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है वो मीडिया के कारण से, ये डिस्पैरिटीज़ जो शहरों की और गाँवों की दिखने लगी हैं, वो डिस्पैरिटीज़ अगर कम हो जाएं और दिखती ज़्यादा हैं, वो हैं नहीं सचमुच में, इतनी नहीं है, दिखती ज़्यादा हैं, वो अगर कम उस पर हम लोग उस पर अंकुश लगा सकेंगे तो चीज़ें सुधर सकेंगी। हाय सर, माय नेम इज प्रशांत एंड माय क्वेश्चन इज डेमोग्राफिक चेंज, व्हाट इट मींस टू डेमोक्रेसी एंड द इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिक्स। ये रिलीजियस डेमोग्राफी के अलावा एक जो भारतीय समाज में वोट बैंक की जो दूसरी वाली भी, और ओबीसी का, एससी एसटी का ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बना है, वो भी एक डेमोग्राफी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो समाज के स्तर पर उसको एड्रेस किया जा सकता है। बहुत सारे संगठन हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर्टिकुलरली जिस तरीके से सामाजिक समरसता का एक सुंदर उदाहरण पेश कर रहा है, उसके लिए प्रयास कर रहा है देश भर में,
और उसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं. कई बार ये ज़रूर है कि वो पॉलिटिक्स के कारण से उस चीज़ पर बहुत असर पड़ता है, लेकिन विद इन द इंडियन सोसाइटी ऑल्सो, जो ये डेमोग्राफी का, हिंदू सोसाइटी ऑल्सो जो डेमोग्राफी का ये वाला पार्ट है, इसको भी एड्रेस करने की एक ज़रूरत है. और जो हो भी रहा है उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं. और अब जिस तरीके से डिफरेंट पॉलिसीज़ हर स्तर पर आ रही हैं, सामाजिक स्तर पर भी जो आने लगी हैं, उनका भी हम लोगों को जल्दी ही अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे. फॉर लीडरशिप इज इन वैराग्य एंड विवेक, दैट यू ग्रो बाय गिविंग, दैट यू हैव द एबिलिटी टू डू त्याग. दीज आर द सिविलाइजेशनल आइडियाज दैट वी गेट. देर आर कॉम्प्लिकेशंस ऑब्वियसली इन अ कम्पिटिटिव. आई वॉन्ट टू बी एम्पथेटिक टू द पोलिटिकल स्पीयर. इट्स ईजी फॉर अस टू नोटिस दिस बिकॉज यू नो इट्स अ थिएटर एट द एंड ऑफ द डे एंड वी आर रिसिपियंस ऑफ द ड्रामा. But what we call a state is much bigger than just the executive, right? There is obviously the legislature, there is the judiciary. As rightly you have mentioned throughout your deliberations, both of you, democracy, political democracy, and somewhere you have brought Chanakya with the Dharma. Today, I think democracy and political democracy and Dharma are unlinked, delinked. We are talking today, the honest corrupt and dishonest corrupt. What is your take on these two terms with reference to democracy, political democracy, and today whole country is witnessing of the literature of percentage sarkar. These are the two critical issues. I think we are sending a message to the younger generations, and these are getting seed into the brain, and these brains may become, you know, the seed becomes a tree and may yield a wrong fruits in the future generation. Thank you very much. 2 साल पहले जब भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो जो उनका साइटेशन था, उस साइटेशन में सरकार ने लिखा इस चीज को कि उन्होंने जो डेवलपमेंट का एक मॉडल इस देश को दिया, वो बिल्कुल एक अनपैरलल मॉडल था, एंड वी शुड फॉलो दैट मॉडल. अब वहाँ उनकी क्वालिफिकेशन कहीं भी उसको हम लोगों को सामने लाने की ज़रूरत नहीं थी. वो पॉलिटिक्स में भी थे, वो 3 बार एमपी रहे. एक उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का, 2 पॉलिटिकल पार्टीज का निर्माण किया, पहले जनसंघ का, फिर जनता पार्टी का 1977 में. लेकिन जो अभी राघव जी ने भी कहा कि इंटेग्रिटी एक ऐसा विषय है जो सबसे बड़ी शायद क्वालिफिकेशन होना चाहिए हमको, सिर्फ एजुकेशन के संदर्भ में नहीं. और दूसरा, मैं एक बहुत पर्सनल, वो कि मुझे एक चीफ मिनिस्टर के साथ बहुत क्लोजली काम करने का एक अवसर मिला. उन चीफ मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन थी क्लास 6 पास थी, और जब उनकी मीटिंग्स होती थी ब्यूरोक्रेट्स के साथ, जो बहुत सारे उसमें से IIMs, MBAs एंड सब IAS थे, ज़्यादातर तो थे ही, और इतने बड़े, वो आते हुए कहते थे कि इस चीफ मिनिस्टर के सामने हमको बहुत तैयारी के साथ जाना पड़ता है, इतना होमवर्क करना पड़ता है, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर ये पूछ लेते थे कि कल तो आपने TND लॉसेस 56% बताए थे, और आज अचानक ये 59% या 54% कैसे हो गए, तो मुझे इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया जाए. तो उनकी कभी किसी ने क्वालिफिकेशन पूछने की ज़रूरत ऐसे नहीं समझी, कभी आवश्यकता भी नहीं पड़ी. तो मेरा एक निवेदन ये है कि क्वालिफिकेशन जो एक थोड़ा मिसनोमर हमारी सोसाइटी में बन चुका है, उसके बारे में सचमुच में हमें रीडिफाइन करने की ज़रूरत है उसको, कि वॉट क्वालिफिकेशन किस तरह की है, वो हम लोगों को एक ज़रूर देखना चाहिए.